जज्बा और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो बड़ी से बड़ी शारीरिक या मानसिक अक्षमता भी सफलता के रास्ते में आड़े नहीं आती। कुछ ऐसी ही कहानी है गुड़गांव निवासी अंगद की, जिसने ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद मानसिक अक्षमता को मात देकर अपनी सुरीली आवाज से सबको दीवाना बना रखा है। एक है, अलग है। भारत में 3 करोड़ से भी अधिक बच्चे किसी न किसी तरह की शारीरिक या मानसिक विषमता के शिकार हैं। इनमें से एक है गुड़गांव निवासी अंगद, जिसने अपने लक्ष्य को साधते हुए अपनी मानसिक विषमता को भी मात दे दी है। ये है गुड़गांव के यंग मास्टर अंगद, जो बचपन से ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित है। उसे बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन संवाद के दौरान वो खास व्यवहार और क्रियाओं को दोहराता रहता है। अंगद को घर वालों ने उसे कई जगह दिखाया, लेकिन हर जगह असफलता ही हाथ लगी। फिर एक संगीत टीचर के रूप में मिली हरीन कपूर, जिसने अंगद की जिंदगी को सुरों में पिरोकर उसे जीने की एक नई राह प्रदान की। जगाता विद्या देता बोधि बढ़ाता दिल में दया और प्रेम जगाता वो ही सवारे वो ही बनाए सबके बिगड़े का मालिक सबका एक है अलग अलग है रा। बहुत ही म्यूजिकली टैलेंटेड है, इसमें अपनी प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, सुर में है, पैदाइशी सुर में है, उसके लिए तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। दूसरी बात ये कि इसमें प्रेम है संगीत के लिए, और वो म्यूजिक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात है। घर परिवार और कॉलोनी का प्यारा अंगद आज सबका चहेता बन गया है। दिल की अब अंगद की आवाज ही उसकी पहचान है, जो उसे सबके करीब लाती है। कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी। तरह तरह के गीत गाकर रिकॉर्ड बनाने में माहिर अंगद ने अपने इस टैलेंट में महारत हासिल कर ली है। जोश और स्फूर्ति भरे प्रेरणादायी गीत अंगद को बेहद पसंद है। एक दिन हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। देशभक्ति से जुड़े गीतों पर अंगद की उत्सुकता देखते ही बनती है। सबसे मेरा देश महान है तन मन धन क्या जीवन भी इस पर ही तो कुर्बान है मेरा देश निवाला निवाला मेरा देश निवाला। भजन हो या गुरबाणी, इन सब पर भी अंगद की गहरी पकड़ है। रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब ही को वायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अंगद स्वयं सुनाने में भी सुरों का मास्टर है। I'm just a bird in the sky, una paloma blanca. Over the mountains I fly, no one can take my freedom away. अगर आप अपना कोई मनपसंद या फरमाइशी गाना भी सुनना चाहते हैं, तो अंगद के सुरों में उसका सार है। जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दूं, पल ये भी जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। अंगद को 300 से अधिक गीत, भजन और पोएम याद है। सीखने की उसकी ललक
और अनुशासन रूपी जज्बा काबिले तारीफ। मिल सके टोले उठार किसी के वास्ते। अंगद के इस अनूठे हुनर से जहां पूरे परिवार को गर्व होता है, वहीं अपने लाडले के भविष्य को लेकर चिंता भी साफ नजर आती है। आज भी जब तक हम हैं, इसकी एक बहन है, इसके अलावा और कोई नहीं है, हम लोग हैं, तो हमारे बाद इसका क्या होगा हमको पता नहीं है। कैसे ये मैनेज करेगा, कहाँ रहेगा, कौन समझेगा, बिकॉज आप देख रहे हैं इसके साथ इसकी नीड्स को समझना बहुत मुश्किल है, तो ये तो एक चिंता का विषय है। माँ बाप को मुझे लगता है इतना मुश्किल लगता है कि कैसे हमारे बाद इन बच्चों का कैसे होगा, और ऐसी कोई संस्थाएं होंगी जो पूरी तरह इनका ख्याल रख पाएंगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा कंसर्न हम माँ बाप के मन में रहता है। बेजोड़ प्रतिभा के धनी अंगद की गायन प्रतिभा के कई दिग्गज कायल हैं। बीते साल विश्व ऑटिज्म दिवस पर दिल्ली स्थित हुमायूं टॉम्ब पर नेशनल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बेहतरीन गीत गाने के लिए अंगद को सम्मानित भी किया जा चुका है। गौरतलब है कि भारत में तकरीबन 1 करोड़ बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं। ये बीमारी हजार बच्चों में अक्सर एक या दो बच्चों को ही होती है, जिनके इलाज और विकास के लिए सरकार हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आज भी इनके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऑटिज्म की बीमारी के पीड़ित होने के बावजूद अंगद ने 300 से भी अधिक गाने गाने का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं अपनी आवाज देकर इन गानों में एक नई राग छेड़ने की महारत भी हासिल की है। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में गुरुवार को ऑटिज्म जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों ने अपने हुनर का परिचय देते हुए गायन की सुरीली तान से सबको मंत्रमुग्ध कर संदेश दिया कि हम किसी से कम नहीं। आशाए किले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आयोजकों के अनुसार इस दिवस को मनाने का मकसद ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार हेतु कदम उठाना है। बहुत सारी और सर्विसेज की ज़रूरत है, बहुत सारे डॉक्टर्स, ट्रेन प्रोफेशनल्स, उनकी ज़रूरत है, पर उन सबसे ज़्यादा हम सब जो कम्युनिटी हैं, जो आसपास रहते हैं, उनके लिए हमें संवेदनशील होना है। इस बीमारी को पहचानने का कोई निश्चित तरीका ज्ञात नहीं है, लेकिन जल्दी निदान हो जाने की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ किया जा सकता है। ऑटिज्म के बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। मेरे अपने बच्चे को जब ऑटिज्म हुआ था, मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि ऑटिज्म क्या होता है, किस कारण होता है, क्या इसकी मैनिफेस्टेशंस हैं। सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आंकड़ों के अनुसार देश में प्रत्येक 110 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है। ऐसे में आज ज़रूरत इस बात की है कि समाज में दरकिनार समझे जाने वाले इन मासूम बच्चों को भी हम मान सम्मान दें और भावनात्मक लगाव के साथ समाज में उन्हें जीने की आज़ादी भी प्रदान कराएं। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।